हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है कल से, और क्योंकि कल मौसम बहुत बेकार था, बहुत बारिश हुई है, बहुत तूफान आया है, तो इसलिए ये जनरेटर का शोर आपको सुनाई दे रहा है क्योंकि नो लाइट। कल खोली से हमारे पास तीन रेस्क्यूज आए हैं। पहला रेस्क्यू ये है, एक बैल आया है और ये थोड़ा सा एटीट्यूड वाला है और इसका मूड थोड़ा खराब है। इसको मैगेट फूड से चार, दो यहाँ सामने फ्रंट पे और दो पीछे है। ये थोड़ा गुस्सैल भी है, वी आर नॉट श्योर कि इसको किस वजह से ये मैगेट फूड हुआ है। वाओ थैंक्स। अभी तो हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया है, मैगेट्स निकाल चुके हैं हम, और अभी रेगुलर एंटीबायोटिक्स चलेंगे, पेन किलर्स चलेंगे, और ये मोस्टली 2-3 वीक्स में घाव भर जाएंगे क्योंकि छोटे हैं लेकिन डीप है, हो जाए। और ये पैर मारता है बहुत जोर से, तो ज्योति ने मुझे बोला कि इससे दूर रहो। इसके अलावा इसी के साथ एक बछड़ा भी आया है। ये बछड़ा बैल के साथ ही आया है, लास्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं इनके केस को। जगह नहीं थी तो हम ले नहीं पाए थे, लेकिन अभी कल दोनों को साथ में लेकर आए हैं खोली से। इसका पैर फ्रैक्चर है पीछे वाला, लेकिन ये चारों पैर पे बाहर ले रहा है जो कि अच्छी बात है। घाव है इसके पैर में फ्रैक्चर वाली जगह पे भी, तो वो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये बहुत दुखी लग रहा है ये बछड़ा, थोड़ा डरा हुआ। इसकी माँ थी ना आसपास? माँ थी, लेकिन ये घास खाता है और इसलिए हमने इसको ले लिया, और जल्दी हम इसे वापस रिलीज भी कर देंगे। माँ को साथ में लाना जगह का इशू था बस। ये हमारे पास एक और प्यारी सी पपी आई है भाली से। ओह सो क्यूट, हाय। इसका पैर एक्सीडेंट में क्रश हुआ है जिसकी वजह से हम इसे एम्प्यूट करेंगे, लेकिन तब तक इसका एंटीबायोटिक और पेन किलर का कोर्स कंप्लीट हो जाए एक बार, उसके बाद ही एम्प्यूटेशन पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा डरी हुई है ये, इसको देख के लिलीपुट की याद आती है मुझे। तुम्हें याद है लिलीपुट एक हमारे पास होती थी? ज्योति एक बहुत ही क्यूट आउट पेशेंट के साथ है, और आई एम नॉट श्योर कि इसका नाम है कि नहीं, क्या नाम है इसका, कोई नाम है? ओ ये कितना क्यूट है, 7 डेज की है सिर्फ। हाय, शी इज लाइक जूनियर बेटी जी। ओ सो क्यूट। आई विश कि ये एक रेस्क्यू होता ताकि ये हमारे साथ फार्म पे ही रह पाता। आई एम श्योर ज्योति में लग रही। आज हम फैन बॉय को रिलीज करें। फैन बॉय अगर आपको याद हो, ये आया था हमारे पास धड़म से। कितना प्यारा है ये। एक जो सामने वाला पॉ था वो कटा हुआ था, एंड वी आर नॉट श्योर कि कटा क्यों था। उसके बाद जब ये यहाँ पे आया, इसकी ट्रीटमेंट हमने शुरू की, लेकिन फिर हमें इसकी टांग जो है वो एम्प्यूटेट करनी पड़ी। फैन बॉय मुझे बोलने दो। फैन बॉय को हमने एडॉप्शन के लिए भी डाला था। एक बहुत फेमस कॉमेडियन है आदर मलिक करके, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी फैन बॉय के लिए, उसकी एडॉप्शन के लिए, लेकिन फिर भी किसी ने इसे एडॉप्ट नहीं किया। और ये इतना प्लेफुल बच्चा है। परी तुम रिलीज होना चाह रही हो क्या? हाँ परी चली गई गाड़ी के अंदर। परी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है परी? आई थिंक परी कह रही कि फैन बॉय के साथ मुझे भी धड़म में रिलीज कर दो। बाय फैन बॉय। मिस्टर 3 को जब हमने रेस्क्यू किया था तो उसका पैर एक पिक ट्रैप में फंस गया था और उसकी पूरी हड्डी दिख रही थी, तो उसका हमने एम्प्यूटेशन किया, और एम्प्यूटेशन से पूरी तरह हील होने के बाद हमने उसको रिलीज कर दिया। और जब सोल्जर यहाँ पे आया था तो उसके आंख में बहुत बुरी तरह चोट लगी हुई थी और उसे TVT की प्रॉब्लम भी थी। जब हम उसको रेस्क्यू करके लाए थे तब उसने नवीन को काट दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव डॉग है। और रिलीज के टाइम क्या हुआ वो आपको ज्योति बताएगी। उस दौरान भी सोल्जर ने नवीन के आते ही उसे पैर में काट लिया, जबकि हम उस टाइम पे उसको पकड़ने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। उसके बाद फिर जब उसको कैच करने की कोशिश की तब उसने गौरव को भी काट लिया हाथ में, लेकिन वो बाकी किसी और को ना काटे इसलिए गौरव ने उसका मुंह छोड़ा नहीं, और गौरव को काफ़ी ज़्यादा चोट आई हाथ में। इस हफ्ते हमने एक और डॉग रेस्क्यू किया जिसको मेंज का इशू है बहुत ज़्यादा, और उसको दो बहुत बड़े बड़े मैगेट वुंड्स भी थे। ये डॉग 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस से आया है, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से हमने इसे लिया, और जो इसके कॉलर थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने इसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह भी दिए हैं। उसका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है एंड होपफुली 1-2 मंथ्स में ये ठीक हो जाएगा। उत्सव को हम सारा से एक डॉग बाइट की वजह से लेके आए थे, और उसका डॉग बाइट एक हफ्ते के अंदर हील भी हो गया था, लेकिन फिर उसे एक और इशू आ गई। उत्सव को गैस्ट्राइटिस का इशू शुरू हो गया था जिसके लिए हमने फ्लूइड थेरेपी शुरू की थी। 2 दिन फ्लूइड थेरेपी की, नेक्स्ट डे हमें लगा कि उसके पेट में थोड़ी प्रॉब्लम है, हमें स्वेलिंग नज़र आ रही थी। हमने अल्ट्रासाउंड का प्लान किया लेकिन वेदर की वजह से हम उसे उस दिन भेज नहीं पाए। नेक्स्ट डे भेजा तो सर ने वहाँ बताया कि कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी, और
सर्जरी टेबल पे एनेस्थीसिया के टाइम ही उसकी डेथ हो गई। मिट्ठू का जो फ्रैक्चर था वो हील नहीं हो पा रहा था, उसकी जो बोन थी वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो रही थी, उसको ऑलरेडी 5 months हो गए थे और उसकी बोन सड़ने लगी थी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन उसके पूरे बॉडी में फैल गया और उसकी वजह से इस वीक उसकी डेथ हो गई। कल ही ये थोड़ा वीकनेस इसमें हम लोग नोटिस कर रहे हैं, आज सुबह ये उठ नहीं पा रहा था, तो हम लोग इसका अभी मल्टीविटामिन इंजेक्शंस वगैरह हम लोग इसको देना शुरू करेंगे और लाइक ई बूस्टर वगैरह ऐड करेंगे डाइट में। चंपक अगर आपको याद होगा, इनको हम लेकर आए थे 32 मील से और इनकी फ्रंट लेग में फ्रैक्चर था, इसकी ट्रीटमेंट अभी भी जारी है। आज सलोनी एनिमल एरिया में आई है बेटी जी से मिलने और हम एक शूट कर रहे हैं जून के साथ, तो उसके लिए डिटेल्स लेने आई थी ज्योति से। ये बेटी जी मुझे कभी भी यहाँ पे काम करने नहीं देती बेटी जी डजंट लाइक एनी गर्ल। बेटी जी क्यों दुख देती हो लड़कियों को? जॉर्जी कम से कम 3 महीने का है और आज ये जिंदगी में पहली बार नहा रहा है, तो इसकी लाइफ की फर्स्ट बात है। He seems to enjoy it. इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। और जॉर्जी हम लोग आए हैं बैक एरिया में, जो हमारे लार्ज रेजिडेंट एनिमल्स का एरिया है जो परमानेंटली अडॉप्टेड है वहाँ पे, और सबसे पहले हमें मिला है सुंदरू। सुंदर हमें देख नहीं सकता पर वो हमें सुन सकता है और इसने सुन लिया। हाय सुंदर, हम एक्चुअली आए गिरगिट की ट्रीटमेंट के लिए, मतलब मैं नहीं डॉक्टर हिमांशु, ट्रीटमेंट डॉक्टर हिमांशु करते हैं। और गिरगिट अगर आपको याद होगा कि ये पूंछ कटा बैल जो हमारे पास आया था कांगड़ा से, इसकी हमने पूंछ की एम्पुटेशन भी की थी और इसकी पूंछ इसीलिए छोटी हो गई थी, बट रिसेंटली क्या हुआ कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर हिमांशु चेक करें गिरगिट को, ऐसे करके आपको क्या पता चलता है कि पेट सख्त है या पेट नरम है? इसका पेट थोड़ा सख्त है और पेट थोड़ा भरा भी हुआ है, खाना ये खा रहा है, गोबर भी कर रहा है, पर पेट भरे होने की वजह से सख्त भी है ना, तो इसको थोड़ा उठा नहीं जा रहा है, इससे ज़्यादा चल भी नहीं पा रहा है, उस वजह से पेट भारी है ना, क्योंकि इसका क्या ये ब्लोटिंग है? ब्लोटिंग नहीं होती है, ये इन्फेक्शन होती है, तो पहले भी हुई थी ये इन्फेक्शन और फिर हुई है। दवाइयाँ देंगे जिससे कि इसकी इन्फेक्शन रिलीफ हो जाए और इसको हम फिर क्योंकि ताकत के इंजेक्शन भी देंगे, हाँ, ताकि इसको थोड़ी एनर्जी मिले। कुछ टाइम पहले हमारी रेस्क्यू टीम गई थी रेत, वहाँ पे उन्हें एक डॉग दिखा था जिसका एक बहुत बुरा मैगेट वुंड था। पहले हमें सुबह सुबह कॉल आई थी, हम इसको रेस्क्यू करने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने फिर से कॉल करके बोला कि डॉग भाग गया है। सेकंड टाइम हम उसको गए रेस्क्यू करने के लिए तो उन्होंने डॉग को पकड़ के रखा था, तो इसलिए हम उसको आराम से लेके आ पाए। तो अभी हम इसकी पहली ट्रीटमेंट करने वाले हैं, अभी हम इसकी क्लीनिंग करेंगे पहले तो वुंड की अच्छे से एनएस से, और फिर हम इसमें बिटाडीन से इसको फिर क्लीन करेंगे एक बार, और फिर आइवरमेक्टिन या मेगासाइड डाल के इसको पैक कर देंगे ताकि जो मैगेट्स हैं वो मर जाएं, और इसको एंटीबायोटिक और पेन किलर्स भी हम रखेंगे। 9 बज चुके हैं और हमारा एनिमल एरिया सेटअप हो रहा है। ये हमारे जो पपीज हैं उनके लिए प्ले पेन्स सेटअप करिए ज्योति और राज दीदी, और ये आ गया हमारा एक पपी जो कि बहुत ही नटखट है, ये हमारा दूसरा पपी अपने प्ले पेन की ओर जाते हुए गौरव जी के साथ। ये हमारे भैया हैं जिनका नाम है अभिलाष। हाय शामशेन, ये हमारे दूसरे भाई साहब है बेब, आशा भरी नजरों से मुझे देखते हुए कि शाइनी अभी मुझे बाहर लेके जाएगी। ये हमारी बुजुर्ग महिला टिमसी जी जो बहुत ही जल्द जाएंगी मुंबई, तो वो हमारी मिमी है, जैसे कि आपको पता है कि मिमी एक भेड़ है और गर्मियों में इसे बहुत दिक्कत हो रही है। ओ मिमी, ये हमारी पीपल फार्म की परी। हाय, ये हमारे बिंद्रेश भैया जिनको हम कंबुचा मैन भी बोलते हैं। ये हमारे डॉक्टर गुलशन जो हमेशा हेल्पलाइन में सदैव तत्पर रहते हैं आपकी मदद करने के लिए। यूजुअली हम सेकेंड हाफ में एनरिचमेंट नहीं करते हैं, मतलब डॉग्स को हम बाहर नहीं ला पाते हैं, क्योंकि हमारे जो 3 रेजिडेंट डॉग्स हैं चिली, चम्बी और स्पॉट, वो घूम रहे होते हैं फार्म पे। लेकिन अभी राधा दीदी क्या कर रही है कि राधा दीदी मुँह क्यों छुपा रहे हो? हमारे एनिमल एरिया में जॉर्जी को और खजूर को इंट्रोड्यूस करवा रही है, और ऐसा लग रहा है कि इनको काफी मजा आ रहा है आपस में खेलने में। राधा दीदी काफी गुस्से में, और ये हमारा फोटोग्राफर टेंजिन जो छुप के फोटोग्राफी कर रहा था। आई एम फीलिंग बैड फॉर खजूर, बड़ी देर से ये कोशिश करी कि जॉर्ज उसे पसंद कर ले, पर जॉर्ज उसको अपने पास ही नहीं आने दे रहा। जॉर्ज इज लाइक डोंट टच मी। बेटी जी छुप के देख रही थी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। बेटी जी क्या हो रहा है यार यहाँ पे?
क्या हो रहा है अभी? ये स्केड्यूल दिख रहे हैं, ये सारे हमारे अडॉप्शन कॉल स्केड्यूल हैं। ये जो स्लॉट्स हैं ये टाइम स्लॉट्स अलग अलग है और इन पे हमारा अडॉप्शन इंटरव्यू रहेगा अलग अलग लोगों के साथ जिन्होंने अडॉप्शन के लिए फॉर्म भरा है। फार्म के बगल में ही मेरे इन-लॉज का घर है, मैं वहाँ पे बैठ के वेनू के साथ अपडेट्स रिव्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसलिए शिफ्ट हुआ हूँ आजकल क्योंकि मैं अपने फोकस पे काम कर रहा हूँ। एनीवे, जैसे मिट्टू की डेथ हुई, उत्सव की डेथ हुई, ये चीज़ें ना ज़्यादा खटकती हैं, पर ये रेस्क्यूज हैं, हमें इसको लेट गो करना पड़ता है कि भाई काम तो आगे करना ही है। पर मैं सोच रहा था कि जब हमारे पेट्स की डेथ होती है ना तो हमारा एटीट्यूड इससे बिल्कुल उलट होता है। हम लेट गो ना कर पाते हैं ना करना चाहते हैं, हम कहीं पे उस ग्रीफ को पकड़ के रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने इस ग्रीफ को लेट गो कर दिया, इस दुख को जाने दिया, तो कहीं पे हम अपने पेट्स की मेमोरी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। पर मुझे लगता है अगर हमें सच्चे मायने में अपने पेट्स की मेमोरी को रिस्पेक्ट करना है, ऑनर करना है, तो सड़क पे जो इतने बेघर जानवर हैं हम उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं, हम उन्हें अपने घर में जगह दे सकते हैं।